उद्धव ठाकरे परिवार ने 11 नवंबर 2020 को मैंने एक पत्रकार वार्ता ली थी और जिसमें मैंने उद्धव ठाकरे परिवार और अन्वय नाईक के जमीन के व्यवहार के बारे में बताया था। आज की यह पत्रकार परिषद है कि हिंदुस्तान के बड़े हवाला किंग, हवाला एंट्री ऑपरेटर नंद किशोर चतुर्वेदी और उद्धव ठाकरे परिवार के संबंध क्या है। कल जो ईडी ने 30 करोड़ का घोटाला निकाला जिसमें श्रीधर पाटनकर जो उद्धव ठाकरे के साले साहब है उनके संबंध बाहर आए हैं। मैं आज आदित्य उद्धव ठाकरे जिन्होंने 2014 में एक कंपनी की स्थापना की अपनी माताजी रश्मि उद्धव ठाकरे के साथ कोमो स्टॉक्स प्रॉपर्टीज LLP 50% शेयर आदित्य ठाकरे के, 50% रश्मि उद्धव ठाकरे के। लेकिन अब आज स्थिति यह है यह कंपनी हवाला किन नंद किशोर चतुर्वेदी की हो गई है। तो मैं उद्धव ठाकरे से जानना चाहूंगा कि आप आज तक आपने हिम्मत नहीं आई अन्वय नाईक और आपके संबंध के बारे में बताने की, यह हवाला ऑपरेटर चतुर्वेदी के बारे में आप बताएंगे, आपने आपके परिवार ने और इस प्रकार के एंट्रीज ली है, श्रीधर पाटनकर, आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे इनके आर्थिक व्यवहार है या सिर्फ पारिवारिक संबंध है या बिजनेस पार्टनरशिप भी है, क्या पाटनकर के खाते में मनी लॉन्ड्रिंग होकर आता और फिर ठाकरे परिवार के खाते में जाता है क्या। मैं आज उद्धव ठाकरे जी से सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से आपके यहां कितना मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, यह पैसा कहां से आया, मुंबई महापालिका के कॉन्ट्रैक्टर के पास से आया कि गए 2 साल में जो आपकी माफिया सरकार जो घोटाले करती है, कमोड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, पद्म सिंह एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे अनेक कंपनियों के बारे में मैंने ईडी को जानकारी दी है और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ महीनों में हवाला ऑपरेटर, हवाला ट्रांजेक्शन अनेक जनता के सामने आएंगे। मैंने महाराष्ट्र की जनता को प्रॉमिस किया है कि उद्धव ठाकरे 2 अंदर गए और दूसरे डर्टी डजन मंत्री नेता जिन्होंने घोटाले किए 2 महीने के अंदर उनके घोटाले के सामने कार्रवाई शुरू हो गई होगी। आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसे 6 छोटे बड़े घोटाले की कार्रवाई आपके सामने आएगी। पहले के जो घोटाले हैं चाहे अन्य देश में की आप बात करते हैं, आप प्रताप सरनाईक की भी बात करते हैं, तो क्या उनमें और इन नामों में कोई कॉमन फैक्टर है? धीरे धीरे बताऊंगा। इसमें कुछ जगह पर यह देखा गया है कि उदय सिंह महावा, वो जो एंट्री ऑपरेटर उदय शंकर महावा, वो भी एक हवाला किंग है। वो अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग करता था गांधी परिवार और कांग्रेस का नेताओं के, अभी वो शिवसेना के नेताओं को भी मदद करने लगा है, यशवंत दादो में उसने मदद की। इसी प्रकार से नंद किशोर ने, चतुर्वेदी ने और भी कुछ ऐसे डेटा हवाला ऑपरेटर है और भी लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की है और कुछ लोगों के एजेंट कॉमन है। शिवसेना आणि राष्ट्रवादी असं आरोप करते, प्रत्येक वेळी तुम्ही आरोप करताय, परंतु ते म्हणताय की तुम्ही बदल्याच्या भावनेने सूडबुद्धीने ही सगळी सेंट्रल एजन्सीला हाताशी घेऊन ही सगळी कारवाई करता आहे, यावर काय सांगणार? कारण प्रत्येक वेळी जेव्हा जेव्हा असं काही होते त्यावेळेस असाच प्रश्न उपस्थित करून या कारवाईवरून कुठेतरी लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असतो का? क्या आरोप शब्द मराठीत जर आपण डिक्शनरीत बघितलं
तर काही माझ्याकडे नाही आणि मी बोलतो त्याला आरोप म्हणतात. तसं संजय राऊत 30 दिवस रोज बोलत होते किरी तुम्हें बाप बेटे जेल में जाएंगे, किरी तुम्हें बाप बेटे जेल में जाएगा, नील तुम्हें कल रात को जेल में होगा. 30 दिवसानंतर एक ही कागद नहीं, एक पण पुरावा नहीं. आणि 30 दिवसानंतर दोन्ही कोर्टाने सांगितलं है काय काय लावलंय दोन्ही ठिकाणी, एका ठिकाणी उद्धव ठाकरे सरकार, दुसऱ्या ठिकाणी मुंबई पोलिसांनी एफिडेविट दिलं की नील तुम्हें विरोधात काय.